तो मिल रहे हैं एक और नई रेसिपी के साथ। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी भिंडी मसाला की रेसिपी, और वो भी बिल्कुल नए और आसान तरीके से, सिर्फ 5 से 7 मिनट में बनके रेडी हो जाएगी। तो नमस्ते दोस्तों, यस किचन में आपका स्वागत है। कैसे आप सब, उम्मीद अच्छे से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ पे देखिए, हमने कढ़ाई ले ली है और इसमें मैं डालूंगी सरसों का तेल। सरसों के तेल में ये सब्जी बहुत ही लाजवाब बनती है। तो यहाँ पे तेल हमारा गर्म हो गया, इसमें मैंने डाल दिया 1 चम्मच जीरा और थोड़ी सी हींग। तो ये हमारी जो ब्राउन हो गई है हींग और जीरा, यहाँ पे हम डाल देंगे भिंडी। भिंडी को आप अच्छे से वॉश करके पहले पोंछ लें, सुखा लें भिंडी को, गिल्ली मत डालिएगा इसमें। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाला है हमने अजवाइन, तो आप पहले ही जीरे के साथ डाल दें और इसे हम मिक्स कर देंगे। भिंडी के जो है ज्यादा छोटे स्लाइस नहीं किए हैं मैंने पीस, तो दो दो पीस कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम डाल देंगे इसमें प्याज, तो यहाँ पे मैंने 3 प्याज दिए हैं लंबे लंबे काट के। तो इस सब्जी में हम इसको अलग से फ्राई नहीं करेंगे, ना प्याज ना भिंडी अलग से बिल्कुल भी फ्राई नहीं करेंगे, दोनों एक साथ फ्राई होंगे और वो भी बहुत ही कम तेल में। तो यहाँ पे 2 ली है हमने हरी मिर्च, वो भी इसमें डाल के हम अच्छी तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे अपने मसाले, 1/2 चम्मच लिया मैंने लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच लेंगे हम धनिया पाउडर। बहुत ही कम मसाले में बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो लीजिए, 1/2 चम्मच लिया हमने हल्दी पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेंगे हम इसमें नमक। बस यही मसाले जाएंगे, ये डाल के हम इन्हें मिक्स कर देंगे। ये मसाले आपने पहले भिंडी को 2 मिनट के लिए इस तरह से चलाते हुए थोड़ा सा भून लेना, उसके बाद ऐड करने हैं। तो लीजिए, मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे, मीडियम फ्लेम पे छोड़ें आप इन्हें। तो लीजिए देखिए, 2 मिनट हो गए हैं, तो अभी हम इसको चला के देखेंगे। तो देखिए, भिंडी जो है हमारी सॉफ्ट हो गई है। देखिए, ना तो कहीं भी ये चिपचिपी है, ना लार छोड़ रही है, बिल्कुल खिली खिली भिंडी बनके रेडी होगी। तो यहाँ पे हमने लिया 1 टमाटर, हम इसमें टमाटर बीच में जगह करके भिंडी को साइड में करके बीच में डाल देंगे और ऊपर से इसे कवर कर देंगे 1 मिनट के लिए। तो 1 मिनट में जो टमाटर है हमारा सॉफ्ट हो गया है, तो इसे हम हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। देखिए कितना बढ़िया सा टमाटर सॉफ्ट हो गया है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। अगर आप टमाटर नहीं डालना चाहते तो आप इसमें चाट मसाला या अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, या फिर बाद में नींबू का रस डाल सकते हैं। तो लीजिए, इसे मिक्स कर दिया है और इसे 1 मिनट के लिए और ढक देंगे ताकि जो भी सारा मसाले का फ्लेवर है इसके अंदर आ जाए। तो लीजिए, 1 मिनट हो गया है, हमारा जो अच्छे से भिंडी मसाला है बनके रेडी हो गया है, बिल्कुल बढ़िया सा और बहुत ही खिला खिला सा। आप इसे लंच में फटाफट झटपट बना सकते हैं, डिनर में बना सकते हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे करेंगे प्लेट आउट। तो लीजिए, मैं इसे करने जा रही हूँ सर्व। तो देखिए कितनी बढ़िया सी टेम्पटिंग हमारी सब्जी बनके रेडी हो गई है, खाने में उतनी टेस्टी है जितनी फटाफट बनके रेडी हुई है। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप उसे देख पाए। रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, ताकि मैं और नई नई रेसिपी लेके आपके साथ शेयर कर सकूं। तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।